यमुना नदी उफान पर है। लगातार बढ़े जलस्तर ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल सिंचाई विभाग के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 48 घंटे में धीरे धीरे और बढ़ेगा, जिसकी सूचना समय समय पर जिला प्रशासन को दी जा रही है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल यमुना के बढ़ते जलस्तर से आगरा वासियों को और अधिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उत्तराखंड में भीषण बारिश हुई, जिसके कारण हथनीकुंड बैराज में 9 तारीख से पानी छोड़ना शुरू किया गया। यह पानी लगातार यमुना नदी में प्रभावित हुआ, जिससे यमुना नदी के कई इलाकों में पानी से समस्या हो गई। ओखला में विगत 13 तारीख को अधिकतम डिस्चार्ज प्रभावित हुआ। वहां नदी का पानी खतरे का निशान 210.6 है, लेकिन यमुना नदी का लेवल 210.8 हो चुका है, जिसका प्रभाव मथुरा और आगरा में पड़ा है। यहां यमुना 1.25 ऊपर चल रही है। आज शाम 8 बजे तक गोकुल बैराज से यमुना नदी में लगभग 25 सेंटीमीटर और जल प्रति होगी। गोकुल बैराज से यमुना नदी में अधिक से अधिक 1.5 लाख क्यूसेक पानी हो रहा है। इस पानी का आगरा में इफेक्ट आना शुरू हो गया है और अगले 48 घंटों में आगरा में पानी धीरे धीरे और बढ़ेगा। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि फिलहाल आगरा वासियों को यमुना के बढ़ते जल स्तर का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं प्रशासन ने भी बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कमर कस ली है। आगरा में NDRF टीम को तैनात कर दिया गया है। समय रहते प्रशासन ने NDRF के हाथ में राहत कार्यों की कमान सौंप दी। आपको ये बताना है कि विगत दिनों हिमाचल एवं उत्तराखंड में भीषण बारिश हुई थी, जिसके कारण यमुना नदी में हमारे हथनीकुंड बैराज जो कि हरियाणा में स्थित है, वहाँ से 9 तारीख से पानी छोड़ना शुरू किया गया। ये पानी लगातार कई दिनों तक यमुना नदी में प्रवाहित हुआ। अधिक से अधिक इसका डिस्चार्ज 3.54 लाख क्यूसेक रहा है। क्योंकि ये पानी लगातार प्रवाहित यमुना में हुआ, इसलिए कई इलाकों में पानी की समस्या पैदा हुई। मुख्य रूप से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ओखला में विगत 13 तारीख को अधिकतम डिस्चार्ज प्रवाहित हुआ। वहाँ यमुना नदी खतरे के निशान से लगभग 20 सेंटीमीटर, खतरे का निशान वहाँ 200.6 है और यमुना नदी का अधिकतम लेवल जो वहाँ पे था वो 200.8 रहा। और वहाँ से जो 2013 में अधिकतम डिस्चार्ज 3,62,000 पास हुआ था, उससे अधिक 3,72,000 डिस्चार्ज यमुना नदी में प्रवाहित किया गया। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए राशिद हुसैन की रिपोर्ट।